जय श्री श्याम। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। खाटू धाम में खाटू मेला शुरू हो चुका है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप खाटू मेले तक कैसे पहुंच सकते हैं और अभी खाटू धाम मेले में क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। मेले के साथ साथ आप खाटू श्याम बाबा के कैसे दर्शन कर सकते हैं और खाटू धाम मंदिर में दर्शन करने के लिए कितना टाइम लगेगा। अगर आप अपनी गाड़ी से जा रहे हो खाटू धाम तो पार्किंग की क्या सुविधाएं हैं। आप ट्रेन से खाटू धाम जा रहे हो तो कैसे जाएंगे खाटू। इस तरह की सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री श्याम। तो सफ़र की शुरुआत होती है दिल्ली सरायरोला रेलवे स्टेशन से, जिसमें 6 से 7 घंटे का सफ़र करके रिंगस रेलवे स्टेशन तक पहुँचेंगे। रेलवे स्टेशन से आपको बहुत सारी गाड़ियां टैक्सी मिल जाएंगी खाटू धाम पहुंचने के लिए। इस टाइम पर टैक्सी का किराया है वो 50 रुपये। मेले की वजह से किराया थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। यह टैक्सियां आपको आराम से खाटू धाम तक पहुंचा देंगी। 30 से 40 मिनट का समय लगेगा आपको खाटू धाम पहुँचने में। मेले की वजह से आपको बाबा श्याम के भक्त ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेंगे। कुछ भक्त बाबा श्याम का निशान रिंगस से लेकर खाटू धाम पद यात्रा करके जाएंगे। कुछ भक्त बाबा श्याम का निशान रिंगस भवन से निशान की पूजा करके रिंगस से खाटू धाम तक पद यात्रा करके आते हैं। निशान का भी बहुत महत्व होता है। खाटू धाम के तोरण द्वार के पास ही नगर पालिका की पार्किंग है, जहां पर आप अपनी गाड़ी या बाइक को पार्क कर सकते हैं। और तोरण द्वार के पास ही स्नान घर बनाए हुए हैं, जो कुछ भक्त यहां स्नान करके तोरण द्वार के पास से ध्वजा उठा सकते हैं। तोरण द्वार के पास से ध्वजा उठाकर खाटू मंदिर तक पदयात्रा कर रहे हैं। 22 फरवरी से मेले की शुरुआत हो चुकी है और द्वादशी तक बाबा श्याम का मेला चलेगा, यानी कि 4 मार्च तक। तोरण द्वार पर बाबा श्याम के भक्त गुलाल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भक्तों की भीड़ दिन पर दिन उमड़ रही है। बार अनुमान लगाया जा रहा है कि बाबा के भक्त 40 से 50 लाख की संख्या में बाबा श्याम के दर्शन करेंगे। पहले से ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। सड़कें काफ़ी चौड़ी कर दी गई हैं। भक्तों को दर्शन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जो बाबा श्याम के भक्त रिंगस से पद यात्रा करके ध्वजा लेकर आए हैं, वो यहाँ पर ले लिए जाते हैं। ऐसा कहते हैं, ध्वजा को लोग लाते हैं जिनकी आस्था है बाबा श्याम के प्रति, और जिन लोगों ने मन्नत मांगी हुई है और वो मन्नत पूरी हो गई है तो वो भक्त रिंगस से पद यात्रा करके बाबा श्याम को ध्वजा चढ़ाते हैं। आपको बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए लगभग 7 से 8 मिनट का समय लगेगा। वे ही आराम से बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं श्याम बाबा के भक्त। जिगजैग की व्यवस्था थी, अब उनको हटा दिया गया है और सीधी लाइन बना दी गई है, ताकि किसी भी तरह की बाबा श्याम के भक्तों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बाबा श्याम का श्याम कुंड, जहाँ पर बाबा श्याम का शीश प्रकट हुआ था। यह बाबा श्याम का श्याम कुंड है, जहाँ पर बाबा श्याम के भक्त नहाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि श्याम कुंड में नहाने से सभी प्रकार के चरम रोगों से मुक्ति मिलती है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।